और भी है, अभी तो दो ही देखा हमने, तीसरा तो एक और है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से एक बार और बाइक लेके मैं निकल गया हूँ। आज भी कोई काम नहीं है मेरे पास, एंड मैंने सोचा कि चलो राइड कर कर आते हैं, तो धूप में निकल गया हूँ। आज जो टाइम हो रहा है अभी, वो टाइम है 3:30 बज रही है। सो अभी हम जा रहे हैं वापस से सिटी में, और आज हम देखने वाले हैं कि आखिर रोड पे किस टाइप की मूवमेंट वगैरह होती है। आज आज पूरा लाइव कैप्चर करने वाले हैं। सो अभी तो कोई मूवमेंट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं, खाली खाली रोड है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, ये सही करवा नहीं रहे हैं। बहुत दिन हो गया मैं ऐसे ही रास्ता देख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, बस यहीं तक ख़राब था, अब अच्छा है। ये जो घर आपको ये सब दिख रहे हैं, वो है इंदिरा आवास कॉलोनी क्षेत्र है, देख लो यहाँ से, है ना। इसीलिए ज़्यादा लग्जरियस या फिर ज़्यादा अच्छा घर वगैरह नहीं बना रखा है। इंदिरा आवास में आपको पता है कि फ्री में बनता था, कम पैसों में बनता था, इसीलिए सिर्फ रहने के लिए बना रखा है। ओके, सो अभी आए हैं मेन रोड पे। ये भी मेन नहीं है, इससे भी मेन एक आने वाला है। यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिल जाए। इतनी धूप हो रही है कि बॉडी जल रही है, बट फिर भी यदि गोल है यूट्यूबर बनने का और फेमस होने का, तो उसके आगे धूप तो कुछ भी नहीं है। मेहनत कर रहा हूँ, देखते हैं किस दिन किस्मत चमकती है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस वही सोच के कर रहा हूँ। लेट्स गो, ओवरटेक तो कर ही सकते हैं, रोड बहुत चौड़ा है यहाँ पे। ओके, सो फाइनली अभी हम आ गए हैं मार्केट में, भाकरोटा वाला मार्केट में। एंड यहाँ से हम पकड़ेंगे नेशनल हाईवे। यहाँ पे थोड़ा क्राउड रहता है। हाँ है, कोई नहीं, अभी निकल सकते हैं। पानी कहाँ से आया? ये हाईवे है, बट यहाँ पे इतनी भीड़ होती है जैसे कि लगता है कि कोई मार्केट में भीड़ कर रही हो, कर रखी हो, है ना। देखो हाईवे पे ही जाम लग जाता है यहाँ पे तो। नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं करना होता देख के। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को सर्विस लेन से जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे को ट्रैफिक मिल सकता है, बट अभी सर्विस लेन पर नहीं गए। देखते हैं, किस्मत के ऊपर है ट्रैफिक मिलती है कि नहीं। जब धूप में गाइस कभी बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी से डेस्टिनेशन पहुंचूं, है ना। बट ये है कि थोड़ी सी कम धूप लग रही है बाइक पे हूँ तो, बाकी पैदल होते तो ज़्यादा धूप रहती है। ये जो सामने दिख रहा है, ये ऐसा तो लगता है कि ट्रक पे जा रहा है, बट ये ट्रैक्टर पे जाता है। कभी कभी रास्ते में मैंने तो देखा है कि ऐसे के ऐसे ट्रैक्टर पूरी पलट गई है, बट फिर भी ये लोग नहीं सीखते, इतना ज़्यादा ओवरलोड करके जाते हैं, क्या बताऊँ मैं। अब और भी है, अभी तो दो ही देखा हमने, तीसरा तो एक और है यहाँ पे। ओके, यह भी 100 की स्पीड में चल रही है। जैसा मेरा हेलमेट है उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि 100 की स्पीड में बाइक चल रही है। और आगे हमको दो रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हाईवे है, दिल्ली तक जाता है, हमको दिल्ली नहीं जाना है अभी तो। ओके, सो हम सर्विस लेन पे आ गए हैं अभी, और यहाँ से अराउंड 2.5 से 3 किलोमीटर जाना है सीधा। उसके बाद हमको जाना होगा राइट मार्केट की तरफ। आज यहाँ पे पुलिस वाले नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं है। सो इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है वो हैदराबाद से डायरेक्ट आने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड में अराउंड 10 डेज़ के लिए हैदराबाद ट्रैवल करने वाला हूँ, और वहाँ के फेमस जो प्लेसेस है उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चार मीनार हुआ, फिर से रामोजी फिल्म सिटी हुआ, और फिर से और भी जगह है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताऊंगा। मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि हैदराबाद कभी गया नहीं मैं। बेंगलोर जाके आया, पुणे जाके आया, जयपुर में हूँ ही, बट हैदराबाद गया नहीं। सो एक्साइटेड हूँ कि कैसा लगेगा मेरे को वहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाना कि आखिर हैदराबाद में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे घूम सकते हो डे या नाइट दोनों में। एंड यदि आप हैदराबाद कभी नहीं जा पाते हो
ठीक है, तो आप देख के मज़ा उठा सकते हो। और जैसा मैंने पहले भी बोला है आप लोग को कि अभी तो पूरा इंडिया घूमना है, जिसमें से ये चौथी या पांचवी सिटी होगी। इसके बाद कहीं और का प्लान करेंगे, बट फिलहाल के लिए हैदराबाद पे फोकस कर रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो छाया में आया तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस का व्यू और मज़ा उठाने का मौका मिलेगा मेरे साथ। तो चलो मैं भी पहुँच ही गया, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द टाइम बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।